अस्सलाम वालेकुम सेवेंथ क्लास, हम सेकंड टर्म का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस एंड प्लांट्स। आई होप आपको समझ आ जाएगा, थोड़ा से डिफरेंट वे में है लेकिन आप फोकस करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर टू को, ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस एंड प्लांट्स। इस चैप्टर के नेम से आपको आइडिया हो जाएगा कि हम इसमें डिस्कस करेंगे कि ह्यूमन और प्लांट बॉडी के अंदर किसी भी चीज की ट्रांसपोर्ट, कि कोई भी मटेरियल प्लांट बॉडी या एनिमल बॉडी के अंदर या ह्यूमन बॉडी के अंदर किस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसफर होता है। इसके अंदर डिफरेंट तरह के मटेरियल्स आ जाते हैं, फर्स्ट वन फूड, सेकंड वन ऑक्सीजन, थर्ड वन वाटर, और इसके साथ साथ रिमूवल वेस्ट मटेरियल का हमारी बॉडी में से। ये सारे मटेरियल हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। हम खाना खाते हैं, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इसको डाइजेस्ट करता है, लेकिन ये खुराक सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम में नहीं रहती बल्कि डाइजेस्टिव सिस्टम में जो स्मॉल इंटेस्टाइन इन्वॉल्व होता है उसकी वॉल्स के थ्रू ये फूड पास हो जाती है ब्लड में, और ये ब्लड फिर इस फूड को हमारी बॉडी के हर सेल तक ट्रांसफर कर देते हैं। तो बेसिकली ये होगी ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड विद इन द ह्यूमन बॉडी। इसी तरह से ऑक्सीजन जो एयर हमारी बॉडी के अंदर एंटर होती है थ्रू आवर नोज, वो लंग्स तक जाती है, लंग्स से फर्दर आगे ये एल्वियोलाई में जाती है, और एल्वियोलाई के इर्द गिर्द कैपिलरीज मौजूद होती है, इन कैपिलरीज में ब्लड होता है। अब जो हम एयर लेकर जाएंगे अपनी बॉडी के अंदर थ्रू नोज, उसके अंदर ऑक्सीजन बहुत ज्यादा होगी, ये ऑक्सीजन पास हो जाएगी ब्लड में, और ब्लड के अंदर जितनी कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होगी वो मूव कर जाएगी हमारे लंग्स में। इस तरह से ऑक्सीजन भी हमारे ब्लड के अंदर ट्रांसफर हो गई और ब्लड हमारी बॉडी में सर्कुलेट करेगा, पूरी बॉडी में वो गर्दिश करता है। इस तरह से ऑक्सीजन हमारी बॉडी के हर सेल तक पहुंच जाती है। जब हम प्लांट बॉडी की बात करते हैं तो प्लांट बॉडी में दो तरह के टिश्यूज इन्वॉल्व होते हैं फॉर द ट्रांसफर ऑफ फूड एंड वाटर। फर्स्ट वन जाइलम टिश्यू एंड सेकेंड वन इज फ्लोएम टिश्यू। जाइलम टिश्यू वाटर की ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व होते हैं, पानी रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब होता है और ये रूट्स फर्दर इस पानी को ट्रांसफर कर देती हैं प्लांट बॉडी के हर पार्ट तक। ये ट्रांसफर किस तरह से होगा, विद द हेल्प ऑफ जाइलम सेल्स और जाइलम टिश्यू। इसी तरह से फूड की प्रिपरेशन तो लीव्स में हो रही है लेकिन प्लांट बॉडी के हर पार्ट तक वो फूड जाएगी विद द हेल्प ऑफ फ्लोइम टिश्यू। इस तरह से पानी और फूड दोनों चीजें प्लांट बॉडी के अंदर भी ट्रांसफर हो रही हैं, ट्रांसपोर्ट हो रही हैं। दिस सप्लाई ऑफ फूड, वाटर, ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी इज नोन एज ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन की टर्म के अंदर हम डिस्कस करते हैं कि फूड की सप्लाई, वाटर, ऑक्सीजन की सप्लाई विद इन द बॉडी और रिमूवल हमारी बॉडी में से किसी भी वेस्ट मटीरियल का ट्रांसपोर्टेशन में आता है। नेक्स्ट, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में जो सेकेंड वर्ड है सर्कुलेटरी, ये टर्म सर्कुलेट से डिराइव की गई है। सर्कुलेट का मतलब है गर्दिश करना। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर इन्वॉल्व होता है ट्रांसपोर्टेशन में, फूड, वाटर, ऑक्सीजन, इन सब चीजों की ट्रांसपोर्ट में ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम इन्वॉल्व होगा। क्योंकि हमारा जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है वो एक ऑर्गन सिस्टम है, जिस तरह से हमने डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था कि डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू फूड डाइजेस्ट हो रही है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू ऑक्सीजन एल्वियोलाई तक जा रही है और फर्दर आगे ब्लड में पहुंच रही है। आगे जब वो ब्लड में पहुंच जाती है तो ब्लड हमारी बॉडी के हर सेल तक उस ऑक्सीजन को ट्रांसफर करता है। इसी तरह से ब्लड ही हमारी बॉडी के हर सेल तक फूड को भी ट्रांसफर करता है। तो बेसिकली जो ब्लड है और ब्लड वेसल्स हैं और जो हमारा हार्ट है, वो तीनों मिलकर ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम बनाते हैं। ये तीन ऑर्गन्स मिलकर ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम बना देंगे। हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, आप सिक्स क्लास के लेवल पे स्टडी करते हो कि सबसे बेसिक यूनिट एनिमल बॉडी का, प्लांट बॉडी का या ह्यूमन बॉडी का सेल है। बहुत सारे सेल्स जब कंबाइन होते हैं तो वो टिश्यू बना देते हैं, और टिश्यू जब कंबाइन होते हैं तो ऑर्गन बना देते हैं। अब जब हम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो उसके अंदर तीन मेन ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं, दैट इज हार्ट, ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के अंदर आ जाती है हमारी वेन्स, आर्टरीज और कैपिलरीज, एंड थर्ड वन इज ब्लड। ब्लड जो हार्ट और ब्लड वेसल्स में से
ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, जो इनके अंदर सर्कुलेट कर रहा है। एंड नेक्स्ट वन ऑर्गन सिस्टम, जब बहुत सारे ऑर्गन मिलते हैं तो वो एक ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं, जिस तरह से हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड, ये तीनों ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, दैट इज ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। और डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम जब मिलते हैं तो वो एक ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम हमने स्टडी किया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हमने स्टडी किया, तो ये सारे सिस्टम मिलकर ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे हार्ट को। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देखेंगे हार्ट का, किसका साइज कितना होता है। इट इज अबाउट द साइज ऑफ आवर फिस्ट, यानी जितनी आपकी एक बंद मुट्ठी होती है, अगर आप अपने हाथ को बंद करते हो, एक मुट्ठी बनाते हो, तो जितना उसका साइज होगा उतना ही आपके हार्ट का भी साइज होगा। नेक्स्ट वन लोकेशन, इट इज फाउंड इन आवर चेस्ट, चेस्ट रीजन में मौजूद होता है, जहां पर हमारे लंग्स भी मौजूद होते हैं। अब ये जो हमारे लंग्स मौजूद होते हैं उनके दरमियान में हार्ट मौजूद होगा, लेकिन हार्ट बिल्कुल सेंटर में मौजूद नहीं होता चेस्ट रीजन के, थोड़ा सा लेफ्ट साइड पर टिल्टेड होता है, लेफ्ट साइड पर थोड़ा ज्यादा होगा। नेक्स्ट वन चैम्बर्स, चैम्बर्स का मतलब है पार्ट्स। जिस तरह से एक घर के अंदर अगर हम बात करें तो हम डिफरेंट रूम्स होते हैं, इसी तरह से जब हम हार्ट की बात करते हैं तो हार्ट के अंदर डिफरेंट चैम्बर्स होते हैं। दो अपर चैम्बर होंगे और टू लोअर चैम्बर्स होंगे। टू अपर चैम्बर्स आर नेम्ड एज एट्रिया, एट्रिया का हम नेम देते हैं। अगर हम प्लूरल यूज करेंगे तो एट्रिया होगा, और अगर हम सिंगुलर वर्ड यूज करेंगे देन एट्रियम। और दो लोअर चैम्बर्स होते हैं जो कहलाते हैं वेंट्रिकल्स, यानी कि हमारे हार्ट के अंदर फोर पार्ट्स हैं फर्दर। दो अपर, उनको हम नेम दे देते हैं एट्रिया का, और उनको हम अपर पार्ट्स को हम नेम देंगे चैम्बर्स का, हम नेम देते हैं उन्हें उन पार्ट्स को। और जो दो लोअर पार्ट्स होते हैं जो साइज में बड़े होते हैं एट्रिया से, वो कहलाते हैं वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स हमेशा लार्जर होते हैं एज कम्पेयर टू एट्रिया, एट्रिया स्मॉलर होते हैं, वो ऊपर लोकेट करते हैं, और वेंट्रिकल्स नीचे होते हैं और वेंट्रिकल्स का साइज बड़ा होता है। नेक्स्ट, हार्ट इज अ पंपिंग ऑर्गन। पंपिंग ऑर्गन क्यों हम कहते हैं, क्योंकि बेसिकली ये ब्लड को पंप कर रहा है। पंप करने का मतलब क्या है कि ये पुश कर रहा है ब्लड को हमारी बॉडी के हर पार्ट तक। जब ब्लड हार्ट में जाता है तो हार्ट में एट्रिया और वेंट्रिकल्स जो इसके चैम्बर्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जब वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो ब्लड को पंप करते हैं, पंप करके ब्लड को ट्रांसफर कर देते हैं ब्लड वेसल्स में। ब्लड वेसल्स हम आर्टरीज और वेन्स को कहते हैं। जो हम सिंपल आपको अपनी वेन्स नजर आ रही होती हैं, अगर आप अपने बाजू में देखो तो ग्रीन ग्रीन कलर की आपको वेन्स शो हो रही होती हैं, तो इनके थ्रू ब्लड आपकी बॉडी के हर पार्ट तक ट्रांसफर हो जाता है। अब बेसिकली जो हमारा हार्ट है उसके अंदर से दो तरह का ब्लड ट्रांसफर हो रहा होता है। फर्स्ट वन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड सेकंड वन इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ट्रांसफर हो जाता है लंग्स में। लंग्स में क्योंकि ऑक्सीजन होती है तो वहां पर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ट्रांसफर हो जाएगा। ऑक्सीजन पुअर ब्लड को हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कहते हैं। ऑक्सीजन पुअर ब्लड इस तरह का ब्लड होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद नहीं होती। जब ये ब्लड हार्ट में से पास होगा तो हार्ट इसको ट्रांसफर कर देगा लंग्स में। सेकेंड टाइप ऑफ ब्लड इज ऑक्सीजन रिच ब्लड। ऑक्सीजन रिच ब्लड को हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड का नेम भी देते हैं। इस तरह का ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन ज्यादा अमाउंट में मौजूद होगी, जो रिच इन ऑक्सीजन होगा, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहलाएगा। ये भी हमारे हार्ट में से ही ट्रांसफर होगा, लेकिन हार्ट इसको पंप कर देगा हमारी पूरी बॉडी के अंदर। अब ये पंप किसके थ्रू होगा, ऐसे नहीं होगा कि डायरेक्ट हार्ट में से हमारी बॉडी के हर पार्ट तक चला गया, बल्कि आर्टरीज और वेन्स के थ्रू ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक जाएगा। जो दो मेन चीजें इन्वॉल्व है इसके अंदर ट्रांसफर के लिए ब्लड के, दैट आर आर्टरीज एंड वेन्स। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, अगर आप इसकी डायग्राम देखो तो ये ऊपर वाले जो पार्ट है, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, दीज आर स्मॉलर इन साइज, दीज आर नेम्ड एज राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम। आपने इसकी डायग्राम जब बनानी है तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि जो जिस हाथ से आप लिख रहे हो आपका राइट हैंड है, लेकिन जब आप कॉपी पे लिखोगे तो आप उस साइड पर लेफ्ट एट्रियम मार्क करोगे, और जो आपका लेफ्ट हैंड है उस साइड पर आपने राइट एट्रियम लिखना है।
क्योंकि कॉपी की जो होगी लेफ्ट और राइट आपके लेफ्ट और राइट से ओपोजिट होगी, तो आपने हमेशा इस साइड को लेफ्ट एट्रियम मार्क करना है और इस साइड को आपने राइट एट्रियम मार्क करना है। लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम का साइज वेंट्रिकल से छोटा होगा, आप यहाँ इस डायग्राम में देख सकते हो। लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल लार्जर इन साइज है। अब लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान और राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान वॉल्स मौजूद है। वॉल्स की टर्म यहाँ पर इसलिए यूज की गई है क्योंकि बेसिकली ये ब्लड के फ्लो को कंट्रोल कर रहे हैं। ये वॉल्स बिल्कुल इसी तरह से हैं जिस तरह से हमारे घर के अंदर कोई भी जो गैस की या पानी की जो सप्लाई होती है उसको कंट्रोल करने के लिए वॉल्स यूज होते हैं, कि अगर आप कहीं से गैस लीक कर या तो आप कहते हो कि वॉल्व बंद कर दो। इसी तरह से हार्ट के अंदर भी वॉल्स मौजूद होते हैं। जब राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड ट्रांसफर होगा तो ये वॉल्स इस ट्रांसफर को कंट्रोल करेंगे, इस फ्लो को कंट्रोल करेंगे कि ब्लड यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो गया तो अब ये दोबारा वापस एट्रियम में ना जाए, बल्कि ये वॉल्स इसको क्लोज कर देंगे इस पाथ को, ताकि ब्लड आगे हमारी बॉडी में जाए। इसी तरह से लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान में भी वॉल्स मौजूद होंगी। इन वॉल्स का फंक्शन भी ब्लड के फ्लो को कंट्रोल करना है कि ब्लड जो है वो लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आए, दोबारा से लेफ्ट एट्रियम में बैक फ्लो ना करें। ये बिल्कुल इस तरह से वॉल्स फंक्शन करेंगे जिस तरह से हम अपनी आम जिंदगी में डिफरेंट वॉल्स को देखते हैं कि वो गैस की, पानी की या किसी भी चीज की सप्लाई को कंट्रोल कर रहे होते हैं। नाउ ओपन योर बुक्स, चैप्टर नंबर 2, ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस एंड प्लांट। ट्रांसपोर्टेशन की सबसे पहले आपने डेफिनेशन मार्क करनी है, जो ऊपर लिखा हुआ है 3 lines we hear learn in the previous, इसको आप कट कर दोगे। आप यहाँ से 3rd line से स्टार्ट करोगे जहां पर मैंने मार्क किया हुआ है, द सप्लाई ऑफ फूड, वाटर, ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इन आवर बॉडी सर्व्स दिस पर्पस, यानी कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो हमारी बॉडी में मौजूद है वो इस फंक्शन को परफॉर्म करता है। यहाँ तक आपने ट्रांसपोर्टेशन की डेफिनेशन को मार्क करना है। नेक्स्ट, ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, और सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्राइजेस द हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड, और हार्ट इज अ पंपिंग ऑर्गन, एक पंपिंग ऑर्गन यानी ब्लड को पंप कर रहा है। इट पंप्स द ब्लड इन ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स में आर्टरीज और वेन्स आ जाती हैं। नेक्स्ट द हार्ट, इसके ऊपर आप हेडिंग दोगे स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट की। सबसे पहले आपने यहाँ से यहाँ तक डेफिनेशन मार्क करनी है, फिर आपने ये याद करना है, ये ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, आ सकता है। नेक्स्ट आपने द हार्ट की हेडिंग देकर उसके आगे आपने हेडिंग देनी है स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, और हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन अबाउट द साइज ऑफ आवर फिस्ट, यानी ये मसल से मिलकर बना हुआ है। जिस तरह से डिफरेंट मसल्स हमारी बॉडी में मौजूद होते हैं, इसी तरह से हार्ट भी मस्कुलर ऑर्गन है, ये कार्डियक मसल से मिलकर बना होता है। यहाँ मेंशन नहीं किया गया, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि कार्डियक मसल से मिलकर बना हुआ है, इसलिए हम इसको मस्कुलर ऑर्गन कहते हैं। अबाउट द साइज ऑफ आवर फिस्ट, और इसका साइज जो है वो हमारी फिस्ट के बराबर होता है, बंद मुट्ठी के बराबर। द हार्ट इज फाउंड इन आवर चेस्ट, हमारी चेस्ट में मौजूद होता है। इट पंप्स ऑक्सीजन पुअर ब्लड टू द लंग्स एंड ऑक्सीजन रिच ब्लड टू द बॉडी, ये पंप करता है ऑक्सीजन पुअर ब्लड यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऐसा ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद नहीं होती, उसको लंग्स में ट्रांसफर कर देता है, क्योंकि लंग्स में एयर के थ्रू ऑक्सीजन ट्रांसफर हो रही होती है, ऑक्सीजन मौजूद होती है, इसलिए लंग्स में जब ट्रांसफर होगा ये ब्लड, तो बेसिकली ये लंग्स में कहाँ ट्रांसफर हो रहा है, जो एल्वियोलाई के इर्द गिर्द कैपिलरीज थी वहां तक जाएगा। ये नहीं होगा कि लंग्स के अंदर चला गया और उसके अंदर ट्रैकिया में या विंड पाइप में एंटर हो गया, ऐसा नहीं होता। बल्कि जो हमने डिस्कस किया था कि एल्वियोलाई होते हैं, एल्वियोलर सैक्स होते हैं, उनके इर्द गिर्द कैपिलरीज होती हैं, तो उन कैपिलरीज में ये जाएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोगों ने इसको मार्क करना है स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट की हेडिंग के अंदर, और आपने यहाँ तक याद करना है। तो आपकी आज की डायरी यही होगी, डेफिनेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक, एंड ऑक्सीजन रिच ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द बॉडी, उसको बॉडी में ट्रांसफर करता है। देयर आर 4 chambers इन आवर हार्ट, 2 upper chambers कॉल्ड एट्रिया एंड 2 lower chambers कॉल्ड वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स ऑफ आवर हार्ट आर लार्जर देन एट्रिया, बोथ एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट एट सेम टाइम एंड द सो द वेंट्रिकल्स, दोनों एट्रिया एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और दोनों वेंट्रिकल्स भी एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जब ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ब्लड इधर आ जाएगा, जब ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ब्लड जो है वो हमारी लंग्स में और हमारी बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू।